जय घाटा वाला माता जी की, जय हो माता जी की। आज हम माता जी के दरबार में हमारे गांव से पैदल पैदल यात्रा कर रहे हैं। सुबह 4 बजे हम निकले हैं। अभी हमारे गांव का ये पुल आ गया है, आप चारों तरफ देख सकते हो, अंधेरा ही अंधेरा है। आज की हमारी जो यात्रा है, हमारा व्लॉग है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और हम आपको आज ले जाने वाले हैं देवारी माँ घाटा वाला के दरबार में, जहाँ की महिमा बहुत ही निराली है। और पूरे रास्ते हम पैदल पैदल ही चलेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अभी आप अंधेरे में देख सकते हो, ये बेड़स नदी है, तो बिल्कुल नज़र तो नहीं आ रही होगी, फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा, जोश, जज्बा आ रहा है। तो काफ़ी टाइम से मैं जा नहीं पाया हूँ, हालांकि मैं माता जी के वहाँ पे पैदल पैदल हमारी यहाँ गांव से बहुत बार गया हुआ हूँ। तो अभी अचानक से प्लान बन गया और माता जी का बुलावा आ गया, तो चलते हैं माता जी के दरबार पे। तो बोलो घाटा वाली मात जी जय, जय माता जी। भाई देखो, अंधेरा कितना जबरदस्त है, और अंधेरे में हमारी यात्रा है वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। और हमारे यहाँ से बता दे कि माता जी का जो स्थान है, घाटा वाला माता जी का जो दरबार है, वो करीब 15 किलोमीटर के लगभग का है। तो अब हमें 15 किलोमीटर की दूरी ऐसे ही पैदल तय करनी है, जिसमें काफी ज्यादा मजा भी आएगा। तो दोस्तों देखो, अभी उजाला थोड़ा थोड़ा तो हुआ है, हालांकि पूरा तो नहीं हुआ है, फिर भी अब टॉर्च की ज़रूरत नहीं है। ये जो लाइटिंग देख रहे हो, ये उदयपुर का एयरपोर्ट है और हम इसके जस्ट पास से ही जा रहे हैं। सुबह की 5:30 बजी है और उजाला पूरा आ चुका है। तो दोस्तों काफ़ी थकान आ चुकी है, शर्ट भी देख सकते हो, पसीना पसीना हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा थकान आ गई है। तो अब हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया है, एक जगह थोड़ा बैठने का सही नहीं था, तो अभी थोड़ा बैठने का सही है, तो हम थोड़ा बैठ गए हैं। और फिर अभी आगे चलते हैं, अभी आगे हाईवे आएगा, फिर हाईवे से हाईवे रोड पे तो पता नहीं कहाँ बैठने का होगा, लेकिन फिर भी चलते चलेंगे अपन। तो मिलते हैं थोड़ा आगे। तो आप देख सकते हो हम लगभग अभी 6-7 किलोमीटर तो आ चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा थकान भी आ रही है, पर मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमारी जर्नी ऐसी बनी रहे और माता जी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। और जो भी ब्लॉग देख रहे हैं वो पूरा ब्लॉग जरूर देखें। अभी तो हम माता जी के दिव्य दर्शन कराएंगे वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा आपको आनंद आएगा। तो जय माता जी की। देखो राजन अभी थका नहीं है, राजन तो रेगुलर चल रहा है, और इसको भी बड़ा मस्त मज़ा आ रहा है। इधर होम्योपैथिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज डबोक, काफ़ी मस्त जगह मिली है हमें यहाँ पे, और हमने ज़्यादा तो रेस्ट ही किया, खाली 2-4 बार कहीं पर रुके हैं, वो भी एक एक घंटे के लिए, बट ये जगह मस्त मिली अभी। हाईवे का उधर व्यू नज़र आ रहा है, अब थोड़ी हिम्मत करके आगे चलते हैं, अब फिर भी चलते हैं। और माता जी का जो वहाँ के मंदिर जाने का हमारा जोश, उत्साह, जज्बा है, बस उसी के सहारे हम चल रहे हैं। और बिल्कुल वहाँ पर जाके आपको और पूरा व्यू भी बताएंगे, तब तक देखते हैं। अभी धूप आई नहीं है तो बढ़िया, अच्छा चल रहा है, धूप आ गई तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो चलते हैं थोड़ा आगे, आगे वाला नेक्स्ट। तो दोस्तों देखो, हमने बड़ी आस थी कि मेरे दोस्त की होटल है, तो हम यहाँ पे चाय लेंगे, पर अपने दोस्त देखो अभी तक आया नहीं है, तो अब क्या करें, अब हमारी चाय की जो तमन्ना है वो अधूरी रह गई। तो ये जो लोग देख रहा हो मेरा दोस्त, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह जल्दी आया करें, ताकि क्या कोई भी लोग वगैरह आए तो चाय ना पी सकें, तो अब हमें आगे चाय पीने चाहिए, तो अभी आगे। तो दोस्तों अभी तक हमारी मंजिल आई नहीं है, और अब देखो पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये वाला पहाड़ नहीं, वो जो बड़ा पहाड़ पीछे नज़र आ रहा है, वहाँ पे जाना है। तो अभी मंजिल थोड़ी दूर है। दोस्तों हमें चलते चलते करीब 3 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है, और जो हम आपको पहाड़ की तरफ देंगे, वही पहाड़ के यहाँ पर जो आगे माउंट है, यहाँ पर अब हमें वो जो बड़ा माउंट है उससे भी क्रॉस करके आगे जाना है, वहीं पे माता रानी का दरबार है, चलते हैं। दोस्तों थोड़ा सा रेस्ट और लेना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार जो अपन चल रहे हैं तो गर्मी थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से, मतलब काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी थकान आ रही है, हालांकि थकान आती है लेकिन फिर भी हम मस्ती से चल तो रहे। लेकिन इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सुबह सुबह ही मतलब हमारे तो पसीने पसीने हो गए, और अभी तो थोड़ा और है, अभी मेरे हिसाब से 2 किलोमीटर के लगभग और होगा। दोस्तों सामने जो ये खूबसूरत नज़ारा और जो दरवाज़ा देख रहे हो, ये बहुत ही
पुराना और प्राचीन दरवाज़ा है, और पुराने ज़माने में इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि अपना जो उदयपुर शहर है इस दरवाजे के मतलब पार करने के बाद ही स्टार्ट होता था। तो कोई भी बाहर का दुश्मन ये दरवाज़ा पार नहीं कर पाता था। इसकी दीवारें बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी और सुरक्षा की दृष्टि से इस दरवाजे का महत्व बहुत ज़्यादा था। शहर पूरा सुरक्षित रहता था इस दरवाजे के कारण, तो कोई भी दुश्मन इस दरवाजे को क्रॉस कर ही नहीं पाता था। दोस्तों अभी हमने देवारी दरवाजा क्रॉस कर लिया है। जय माता दी सभी भक्तों को। तो इंतजार की क्रिया खत्म हो चुकी है और हम आ चुके हैं माँ गाटा वाले के दरबार में। तो हम करते हैं आपको पूरी दर्शन कराते हैं माँ गाटा वाले के। आप सबको बता दें कि माँ गाटा वाला माता जी का जो मंदिर है वो भी नया बन रहा है और काफ़ी सुंदर मंदिर बन रहा है। फूल माला ले लेते हैं, प्रसाद ले लेते हैं और फिर अंदर हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। जय घाटा वाला माता जी की जय हो। छोटी छोटी दुकानें हैं आसपास में, बाहर ही प्रसाद फूल माला अगरबत्ती सब मिल जाएगी। सुबह जल्दी आ गए हैं तो भीड़ थोड़ी सी कम है, बाकी तो यहाँ पे दिन भर लाइनें लगी रहती है भक्तों को। बहुत ही सुंदर बनावट अंदर से, अभी तो थोड़ा टाइम और लगेगा पूरा मंदिर बनने में। जय घाटा वाला माता जी की जय हो। जय तो दोस्तों आप सभी भक्त भी माँ घाटावाली के दर्शन करिए। जय घाटावाला माता जी की जय हो। हम तो धन्य हो गए माँ घाटावाली के दर्शन करके। जय हो चामुंडा माता की जय हो। बहुत खूबसूरत नज़ारा और थोड़ा सा काम और बाकी है, बाकी थोड़ा बहुत काम तो हो चुका है। और बाहर से इस तरह का नज़ारा है, काफ़ी सुंदर नज़ारा, और मंदिर का जो लुक है वो बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। और पिलर खंबे और जो कलाकृति है वो वास्तव में बहुत ही अद्भुत है। और ये पूरा चौगान है यहाँ पे, और इसके जस्ट पास में ही धर्मशाला वगैरह भी है, तो लोग बाहर बाहर से दूर दूर से आते हैं तो प्रसादी वगैरह भी यहाँ पे करते हैं। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ घाटावाला माता जी के दरबार में। और ये जो नज़र आ रहा है ये पूरा जब माता जी का मंदिर बनेगा तो कुछ इस प्रकार का सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं वो अपनी श्रद्धा से इसमें सहयोग करते हैं माता जी के मंदिर में। तो आप भी जब भी आओ तो एक बार ज़रूर दर्शन करना घाटावाला माता जी का। उदयपुर डबोक हाईवे पर ही है, देवारी में स्थित है माता जी का स्थान। तो बहुत ही मन को शांति मिलेगी। तो सभी से मेरा भी निवेदन है कि एक बार ज़रूर आओ तो माता जी के दर्शन ज़रूर करना। तो ये देखिए यहाँ से भी कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है और पहाड़ियाँ। और सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, जय घाटावाला माता दी की जय हो।